आज हम आप लोग को दिखाएंगे कैसे खेलते हैं ये गेम जिसका नाम है स्टेट्स। ये गेम खेलना बहुत इजी है और आसान भी है। ये किड्स के लिए है मेनली और 6+ एजेस के लिए और प्लेयर्स 2-4 प्लेयर्स हो सकते हैं। ये गेम बहुत आसान है, इजी है और जानने लायक भी है। ऐसे दिखेगा आपका बोर्ड, फिर आपको इसमें कुछ गोटे मिलेंगे, सारे 4 कलर के गोटी, क्योंकि 2-4 प्लेयर्स है तो फिर 4 कलर के गोटी दिखेंगे आपको, वो उसके आपको यूज़ करना है। आप 2 प्लेयर का भी खेल सकते हैं। देखिए इधर हमने निकाल लिया है, आपको जो मर्जी आप वो कलर ले सकते हैं। 4 वो कलर लेंगे तो 4 जन के लिए चाहिए, 2 कलर 2 जन के लिए, तो फिर हम अपनी मर्जी से ले लें। सब हमने रेड और ब्लू चाहिए, इन दोनों है, ये दोनों ड्रग्स और बाकी जो सर्कल सर्कल गोटी है ये है सामान। हमने ले लिया है हमारा सामान अभी जो हमें चाहिए होगा, हमने 4 सामान ले लिया। अब आपको इधर दिखेंगे 2 टायर, देखिए एक ट्रैवल टायर जिसे हमें कैस कहाँ कैसे घूमने वो दिखाया जाएगा और दूसरा है हमारा इधर मनी टायर। मनी टायर पर हमें बताया जाएगा हमें कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है। और बाकी हमारे यहाँ भी बचे हैं कुछ पैसे, तो हमें ईच पर्सन को पैसे देने हैं 20,000 रुपीज़ पर पर्सन। ये है हमारे पास कुछ 1,000 के नोट्स। आप चाहे तो 1,000 के नोट्स भी दे सकते हैं, पर हमें कम के लिए एज कम एज नोट्स के लिए हमें 5,000 का भी नोट्स मिला है, तो हम 4-5,000 नोट्स एक पैसे एक इंसान को देंगे तो उसका हो जाएगा 2,000। और बाकी के जो कुछ हैं ये हैं कुछ चेक्स, ये चेक यदि आपको कैसे लोन लेना है और या फिर कोई आपको चेक में पैसे देना चाहिए तो फिर आप उसे भी ऐसे चेक पे दे सकते हो। हम आपको प्रेफर करेंगे इस चेक पे पेंसिल से लिखने के लिए ताकि आप इसे फिर से यूज़ कर सकें क्योंकि ये लिमिटेड है। और फिर ये है कुछ कार्ड्स जो है चांस कार्ड्स, आपके कुछ ऐसे समय आएंगे जहाँ आपको ऐसे कार्ड उठाने पड़ेंगे, उस कार्ड के पीछे जो लिखा होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब है हमारे पास और है ऐसे दूसरे टाइप का भी कार्ड है जो कि आपको गेम के साथ ही मिल जाएगा, ये सब वो है स्टेट कार्ड। स्टेट कार्ड के पीछे सारे हमारे इससे सारे कार्ड हमारे स्टेट के ऊपर है। स्टेट कार्ड के पीछे एक स्टेट कार्ड के पीछे आपको एक जगह का पूरा डेफिनेशन बताया जाएगा जहां आपको रहेगा, फॉर्म टाउन डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, कैपिटल, पॉपुलेशन, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट्स, सब जगह जो आपको गेम में जरूरत पड़ेगी। तो यही मेन कारण है जहाँ से आपके बच्चों को जानकारी मिलेगी बहुत और याद भी रहेगा ये गेम खेलते खेलते। तो फिर हमने सबको दे दिया है 5,000 रुपीज़, ये हो गया है हमारा। हमने इसे ऐसे सजा लिया है और इधर बाकी के जो गुटी है जो हमें नहीं चाहिए आप देख सकते हैं, इधर 5,000 है, 20,000 है, 4,000 के नोट्स, ये हो गया हमारा। और इनके पास भी है नोट्स 4, इनके पास भी हो गया 20,000। तो ये है हमारे ओपोनेंट का, जो हमारे सामने जो हम लोगों के साथ खेलेंगे उसे ओपोनेंट कहा जाएगा। तो हमें अभी हमारे स्टेट कार्ड को शफल करना है ऊपर और एक प्लेयर को 4 कार्ड उठाना है। तो ये हमने ले लिया है 4 कार्ड, हमें अभी 4 कार्ड देखना है। ये हमारा पहला कार्ड है अरुणाचल प्रदेश, तो हमें इसे साइड में रखेंगे। और अनुसार क्योंकि हमने रेड लिया है तो हम इसे अरुणाचल प्रदेश पर रख लेंगे, ये हमारा एक सामान अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा कार्ड है हमारा चंडीगढ़, तो हम दूसरा कार्ड अपना चंडीगढ़ पे रख लेंगे। हमारा तीसरा कार्ड है दादरा नगर हवेली, तो हम दादरा नगर हवेली पे रख लेंगे। और लास्ट कार्ड है हमारा पुडुचेरी, तो हम वो वाला पुडुचेरी में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, हम ओपोनेंट है ओपोनेंट भी रखेगा। तो ये है ओपोनेंट्स के कार्ड, ये है असम, तो उसका एक रह गया असम में, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तो ये रह गया उत्तर प्रदेश में, फिर है उत्तर प्रदेश हो गया, फिर है हमारा मध्य प्रदेश, तो हमारा ये रह गया मध्य प्रदेश में, और ये लास्ट कार्ड हमारा है वेस्ट बंगाल, तो ये रह जाएगा वेस्ट बंगाल में। और इतने कार्ड्स हो गए उनके और ये है हमारे। अभी हमें फिर से एक कार्ड उठाना पड़ेगा,
तो एक उनका और एक हमारा आ गया। हमारे में है अभी झारखंड, तो हमारा ये जो ट्रक है ये ट्रक झारखंड पर रहेगा। अब उनका है आंध्र प्रदेश, तो उनका ट्रक आंध्र प्रदेश में रहेगा। अभी हमें ट्रैवल टाइल घुमाना है, ट्रैवल टाइल में हमें ऐसे घुमाना है और जहाँ तक आएगा जो जो लिखा है हमें वैसे फॉलो करना पड़ेगा। सोचिए हम ऐसे घुमाए और हमारा आ गया वन, तो फिर देखिए हमें वन आया। हमारा ट्रक जहाँ भी है उधर से कहीं एक जगह जा सकता है, या फिर तो इधर से हम उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, नहीं तो मध्य प्रदेश, नहीं तो छत्तीसगढ़, नहीं तो उड़ीसा, तो झारखंड, ठीक है। तो फिर हम झारखंड से एक जगह जा सकते हैं, हम वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं, तो फिर ये हम पास पास की जगह जा सकते हैं। ये हमारा झारखंड पे था। यदि हम इसे घुमाए और ये हम प्लस टू आ गया, तो फिर हम इधर से कहीं दो जा सकते हैं, मतलब इसके छत्तीसगढ़ फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा फिर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल फिर सिक्किम, नहीं तो बिहार फिर उत्तर प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र भी आ सकते हैं। तो ऐसे हम दो दो करके कहीं जा सकते हैं। समझिए आ गया हमारा फ्लैट टायर डोंट मीट, मतलब आपका एक चांस चला गया। ये आ गया आउट ऑफ डीजन लूज वांटेड, मतलब आपका फिर से एक चांस चला गया। ब्रेक डाउन लूज वांटेड, फिर से एक चांस चला गया। यदि इधर आ गया बॉर्डर चेक, बॉर्डर चेक आ गया, मतलब आपको एक ऐसे उठाना है, इस पर जो लिखा होगा आपको वो करना है। जैसे इधर आ गया चैम्पियन ट्रांसपोर्टर अवार्ड, मतलब आपको इतने पैसे मिलेंगे 2000 फ्रॉम द गवर्नमेंट एज प्राइज, तो जो लिखा है आपको वैसे पैसे भी मिलेंगे। इसमें आप चाहे तो एक बैंकर भी रख सकते हैं, वरना आप अकेले भी कर सकते हैं, जो कि प्लेयर भी रहेगा प्लस बैंकर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दें मनी रेल का काम क्या है। मनी रेल का काम क्या है, जो पैसा लिखा रहेगा वो पैसा आपको पे करना है, ठीक है। जैसे जी हम इधर से आए, हमारा दो आ गया, तो हर जगह मध्य प्रदेश में आ गए, तो फिर हमें ये काम पाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या जाता है। हमने इधर घुमाया है, तो ये आ गया टू पे। तो जब टू पे आ जाएगा तो फिर हम इधर से दो जा सकते हैं। तो देखिए हम झारखंड पे थे, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, हम चाहेंगे उस जगह पे जाने के लिए जहाँ सामान हो ताकि हम सामान खरीद सकें। तो फिर हम ऐसे आ गए मध्य प्रदेश में। अब आ गया है बारी मनी डायल का। तो फिर हमें अभी मनी डायल घुमाना पड़ेगा। घुमाने से पहले जो हमारा ओपोनेंट है वो देखेगा और बताएगा कि हमें मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलता है। हमें पढ़ के बताता है कि मध्य प्रदेश में हमें मिलते हैं पेपर, डायमंड और कोल। तो फिर हम बोलेंगे हमें पेपर चाहिए, डायमंड चाहिए, कोल चाहिए, और उसके हिसाब से कितना पैसा देना है वो सिलेक्शन किया जा सकता है। सपोज हम बोलते हैं डायमंड, तो डायमंड का पैसा ज़्यादा रहता है, तो चाहेगा ओपोनेंट की ज़्यादा पैसा फुल ले। यदि पेपर लेते तो फिर पेपर का कम बता देते हैं, उसके हिसाब से कम। तो फिर हम अभी हमें हम क्योंकि हम खरीदेंगे तो फिर हम ऐसे घुमाएंगे मनी बैग। आ गया अभी 3000 पे, 3000 पे आ गया, मतलब हमें अभी हम बोल रहे हैं कि 3000 पे हम डायमंड देंगे। पर यदि हमारे ओपोनेंट को लगे कि वो बहुत कम है तो वो हमें बोलेगा फिर से घुमाने के लिए। यदि सही लगे तो फिर हम 3000 ही दे के और काम हो जाएगा। और यदि फिर यदि वो बोलता है सेकंड टाइम करने के लिए, तो फिर सेकंड टाइम में जो भी आएगा वो फाइनल होगा, चाहे वो पहले बार से कम भी क्यों ना हो। फिर हम उसने यदि हमें बोला सेकंड टाइम करने, हम सेकंड टाइम घुमाते हैं। अभी आ गया 8000 पे दी, अभी 8000 आ गया, तो 8000 फाइनल है, नो सेकंड नो फर्स्ट, हम अभी डायरेक्ट दे देंगे उन्हें 8000। क्योंकि हमें 5000 का नोट्स मिला है, मेरे पास अभी है नहीं 8000, क्योंकि उन्हें 1000 दे रही हूँ। तो वो 1000 लेंगे अपने पास, 1000 रखेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, अपना वो चाहे तो अपना एक 5000, अपने 5000 वो बैंक को दे देंगे, और उसके अलावा वो लेंगे उसके ही 5000 के नोट्स। तो फिर 5000 के नोट्स लेने से उनका हो जाएगा, उन्होंने ले लिया 5000 के नोट्स, उनमें से क्योंकि वो 8000 खाते तो वो हमें 2000 दे देंगे, तो उन्होंने हमें दे दिया 2000, तो 2000 दे दें मेरे, और बाकी के जो बच्चे 3000 वो है उनके। ओके सभी, अभी वो क्या करेंगे, वो एक स्टेट कार उठाएंगे, स्टेट कार्ड, तब मटेरियल पहले लोड हो जाएगा हमारे ट्रक पे।
और फिर वो एक स्टेट कार्ड उठाएंगे। अभी हम उनके हिसाब से, हम बता दे रहे हैं आपको, वो स्टेट कार्ड उठाएंगे। अब उनके पास आया है लक्षदीप, तो वो हमारे पास आ गया है लक्षदीप, तो फिर आ गया है अभी लक्षदीप, तो वो हमें नहीं बताएंगे, वो हमें पूछेंगे इसके ऊपर कुछ भी। वो पूछ सकते हैं लक्षदीप कब फॉर्म हुआ था, लक्षद्वीप का यूनियन टेरिटरी कितने हैं, उसके पॉपुलेशन कितना है, कैपिटल कितना है, एरिया कितना है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है और प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो ये उनकी मर्जी है, पर जनरली जब आप नया नया चेक करते हैं, आप पहले कैपिटल से शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपको ये नहीं सबका कैपिटल पता रहता है। और फिर ऐसे ही बारी आप खेलते खेलते आप ऐसे कार्ड देखते देखते आपको बाकी सब भी याद रह जाएगा। या फिर तभी भी पूछ सकते हैं कि कवारती किसका कैपिटल है, तो उसे बोलना है। सपोज हमने भी पूछ लिया लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, यदि वो सही बोलता है कवारती तो फिर वो लक्षद्वीप आएगा, यदि वो गलत बोलता है तो फिर वो उधर ही रह जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि उसने सही बोला, तो यदि सही बोल दिया मैंने हमारे इसके हिसाब से, तो फिर हम वो आ जाएगा लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप कहाँ है, ये रहा लक्षद्वीप के आगे। अभी बैंक की बारी है, तो यदि आपका कोई बैंकर है तो फिर वो बैंकर आपको पैसे करेगा, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। या फिर यदि कोई खुद ही बैंकर बना है तो फिर ठीक है। तो फिर अभी बैंकर की काम आता है, बैंकर अभी आपको ये घुमाएंगे। अभी आ गया सपोज 7000, अब आपकी मर्जी है आप ये डायमंड बैंक को 7000 में बेचना चाहेंगे क्या। यदि आप इसको बैंक को 7000 में बेचना चाहेंगे तो फिर बेच सकते हैं, यदि आपको फिर से सेकंड को लगा कि नहीं कम है, बहुत ज़्यादा चाहिए कि जो भी, फिर आप सेकंड टाइप करेंगे। यदि कम हो गया फिर भी बैंक आपको उतना ही देगा। अभी आ गया जैसे कि 5000, तो फिर बैंक आपको 5000 ही देगा, आपको 7000 नहीं चलेगा अभी। तो ये जो सामान है वो बैंक के पास जाएगा और आपको बैंक देगा 5000। तो ये बैंक ने आपको 5000 दे दिया, तो आपका हो गया पहला सामान देने लेना। अभी सेकंड टाइम अभी हम देखते हैं सेकंड, यदि आपने गलत बोला होता, तो फिर यदि आपने गलत बोला होता तो फिर ये आपका लक्षद्वीप नहीं रहता, ये आपका रह जाता वहीं मध्य प्रदेश में, आपका ये रह जाता। और फिर आपका नेक्स्ट चांस में आपको ये ट्रैवल रेल घुमाने को नहीं मिलता, और आपको इसी को नेक्स्ट चांस पे आपको लक्षद्वीप को लेके आना पड़ता और फिर ये काम करना पड़ता। तो फिर चलिए मान के चलते हैं कि आपने सही बता दिया, तो फिर हम अभी कवरावती में है, सामान चला गया है, आपको 5000 मिल गया है। अभी उनकी चांस है, तो वो भी घुमाएंगे ट्रैवल रेल। सपोज उनका आ गया डोंट ब्रेक चाहे डोंट डू, तो उनका एक चांस चला गया। सिमिलरली यदि उनका सही चांस आ जाता तो फिर वो भी वैसे ही घूमते जैसे हमने घूमा। अब वो चाहेंगे हमारे घर आने के लिए, वो हमारे से सामान लेंगे और सामान लेके वो भी बेचेंगे और वो भी उन्हें भी पैसा मिलेगा। एट लास्ट में जब सारा सामान बिक जाएगा बैंक को, तो फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो जीत जाएगा।